की भी जगबीर मलिक की टिकट को होल्ड पे कर दिया, ये चर्चाएं थी। विश्वास मेरे में है तो मैं इलेक्शन लड़ता, यदि मेरे को टिकट नहीं मिलती तो मुझे कोई इरादा मेरा नहीं था इलेक्शन लड़ने का। ये जो सर्वे की बात आई थी तो जितनी भी टिकटें हुई हैं उनमें लगता है कि 100% सर्वे के बेस पे ही टिकटें दी गई। लोगों ने 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन भी देखा है और 10 साल का बीजेपी के शासन भी देखा है। ये पब्लिक डरती नहीं बोल रही थी। अच्छा। जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर किया है पब्लिक मुखर होकर आगे आई है। 36 बिरादरी जो महत्वाकांक्षा वाले वो अगर नाराज हैं तो उनके लिए आपका क्या संदेश है या बात करेंगे? ऐसा मैं आज सबसे बात करूंगा, अपने लेवल पर सबसे बात। यहाँ से जो अन्य पार्टियां उनकी जमानत जब्त करवाने काम करेंगे। ये तो 36 बरादरी के और गोहाना हल्के की आन बान शान है, क्योंकि युवाओं के साथ बार बार उन्होंने धोखा किया है, किसानों के साथ भी धोखा किया है। फायदा तो ये है ना जी, हम तो रात को 12 बजे आते हैं तो दरवाजे खुले मिलते हैं, फोन करते हैं दरवाजे खुले मिल जाते हैं। मैंने पहले भी आपके पत्रकार साथियों ने पूछा मेरे बारे में, मैंने ये कहा जिसको भी दे वो सब एकजुट होगा उसकी मदद करें। गोहाना की पब्लिक उनसे तंग आ चुकी है बीजेपी से, वो ये नहीं कहते कि हमारी को ऐसी वो करामात है, वो खुद तंग हो गए। नमस्कार, सत्य खबर पर आपका स्वागत है। सबको पता है कि अक्टूबर माह में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद कल जो सूची जारी की है उसमें सभी सिटिंग एमएलए को मौका दिया है। गोहाना से भी जो सिटिंग एमएलए हैं जगबीर मलिक, उनको भी लोगों के इंतजार था कि भाई उनको भी टिकट मिलेगी या नहीं, लेकिन उनको टिकट मिली और आज बेहद खुशी का माहौल है। उनके निवास स्थान पर उनके समर्थकों की भीड़ है। इस बारे में हम जगबीर मलिक से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी बार मौका मिला है और क्यों कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। मलिक साहब, सबसे पहले सत्य खबर की ओर से आपका स्वागत भी है और आपको बधाई भी है। धन्यवाद सर। ये कौन सा मौका होगा, कितनी बार का मौका हो गया आपका टिकट का जो आपको कांग्रेस से मिली? तो ये छठी बार है, एक बार हरियाणा विकास पार्टी से और लगातार 4 बार में कांग्रेस से विधायक रहा। तो बड़ा इंतजार भी था और एक बेचैनी भी थी कि भी सीटिंग एमएलए के पता नहीं टिकट होगी या नहीं। यहाँ भी कुछ जो आपके विरोधी होते हैं उनमें भी एक चर्चा थी कि भी जगबीर मलिक की टिकट को होल्ड पे कर दिया, ये चर्चाएं थी। देखो, मुझे कोई बेचैनी नहीं थी, ये तो मीडिया वालों को बेचैनी थी, क्या होगा अपनी खबर बना रहे थे। मुझे तो ये था कि यदि मेरिट पर मुझे टिकट देती है, मुझे इस काबिल समझती है, अगर मैं इलेक्शन, लोगों का विश्वास मेरे में है तो मैं इलेक्शन लड़ता, यदि मेरे को टिकट नहीं मिलती तो मुझे कोई इरादा मेरा नहीं था इलेक्शन लड़ने का। इन्होंने सर्वे किया पार्टी ने ये देखा है और उसके बाद जो है जब ये लगा गोहाना की सीट विधायक निकाल सकता है तब टिकट दी गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो सर्वे की बात आई थी तो जितनी भी टिकटें हुई हैं उनमें लगता है कि 100% सर्वे के बेस पे ही टिकटें दी गई। ऐसा है, सीटिंग विधायक है जो ऐसे कठिन समय में, जब ये कहते थे कांग्रेस की तो 10 सीट आएंगी 12 सीट आएंगी, 31 सीट कांग्रेस की आई, वो कांग्रेस ऐसे समय में सीट निकाल के लाई और साथ खड़े रहे कांग्रेस पार्टी में, उनसे इन दबाव के बावजूद बीजेपी का उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, कांग्रेस का साथ दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी वो भी थी, डेडिकेशन भी थी और सिटिंग विधायक को देने में कोई गलती नहीं की। भूपेंद्र हुड्डा के भी आप सिपाही माने जाते हैं और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में और उनके कंधों पर जीत का एक तरह से चुनौती भी है, चुनौतियां तो हैं, बेशक भले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की कांग्रेस बात करेगी ये तो लोग तय करेंगे, तो क्या लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है भूपेंद्र हुड्डा का साथ है या उनके नेतृत्व की बात है, तो क्या लगता है कि जनता मोहर लगाएगी? लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन भी देखा है और 10 साल का बीजेपी के शासन भी देखा है। बीजेपी के शासन में जिस ढंग से युवाओं के अंदर निराशा हुई है, बेरोजगारी हुई है, आपने भी देखा, सफाई कर्मचारी के पद पर भी 50,000 से ज्यादा फॉर्म भरे, पोस्ट ग्रेजुएट भी 40,000 के करीब है, तो आप बताओ भविष्य कहाँ है युवाओं का, कौन जिम्मेवार है इसका? तो
तो ये बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है हर एक काम में। हाँ, तमाम मुद्दों पे तो आप सड़कों पे थे ही लगातार। नहीं तो ये मुद्दे हैं, ये पब्लिक डरती नहीं बोल रही थी। अच्छा। जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर किया है, हाँ, पब्लिक मुखर होकर आगे आई है। 36 बरादरी इसके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ। अब आपने देखना, आप कहते ना, ये मैं ये समझता हूँ, जहाँ बात आती है ये 10 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते। ये जो कहते ना 20 आएंगे 22 आएंगे, मैं नहीं समझता, क्योंकि असली विरोध तो अब निकल गया है। सर मुझे एक और बताएं, सभी की महत्वाकांक्षा होती पार्टी में, वर्कर काम करते हैं, आपके साथ भी करते हैं और भी हैं, तो समर्थकों की भी अपेक्षाएं होती हैं और उनकी कुछ, फिर जब टिकट नहीं मिलती तो जाहिर है नाराजगी भी होगी। तो आपके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे वो तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं जो महत्वाकांक्षा वाले, वो अगर नाराज हैं तो उनके लिए आपका क्या संदेश है या बात करेंगे? ऐसा है, मैं आज सबसे बात करूंगा, अपने लेवल पर सबसे बात करूंगा। ये उनकी इच्छा, मैं नहीं समझता ज्यादातर जो लोग विरोध करेंगे, बहुत कम एक आध ऐसा हो सकता है। नहीं, विरोध नहीं करेंगे, एक नाराजगी होती है मन में कि भाई हम भी थे दावेदार, मलिक साहब को सीनियरिटी पे मिली या पार्टी ने भरोसा जताया, उस बात को लेकर बोल रही हूँ मैं, जो टिकटार्थी थे दावेदार। नहीं, इसमें क्यों नाराज होना नहीं चाहिए उन्होंने, जब उनको ये पता है पार्टी पे फैसला छोड़ रखा है, पार्टी का हाईकमांड ने फैसला किया है, कोई क्राइटेरिया हो तो पार्टी जो फैसला करे मानना चाहिए। तो अभी नामांकन की कोई तारीख तो अभी तो नहीं तय हुई भाई? मैं बुधवार को मोस्ट पब्लिक 11 तारीख को नामांकन दाखिल करना चाहता हूँ, ये मेरे वर्कर्स की एडवाइस है, अब 11 तारीख को करें। तो कैंपेनिंग का तो काम जोरों से शुरू कर दिया होगा? इनका सारे दिन सुबह से कल रात से ही लोग आने लग रहे हैं, आज सुबह भी आप देख रहे हो भीड़ लगी हुई है, कोई वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ जगबीर मलिक। इनको भाग का वो कहा जाता है कि ये बड़े धनी हैं अपने भाग के, और छठी बार टिकट लेकर आए और गोहाना में इनको पूरा भरोसा है कि गोहाना की जनता इनको फिर से विधानसभा में भेजेगी। देखते हैं कि गोहाना की जनता में इस बार किस तरह का प्यार और प्रेम इनको मिलता है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। विधायक जी से बात की और उनकी टिकट मिलने के बाद पार्टी के वर्कर, उनके समर्थक पूरा हुजूम सुबह से शाम को, रात को ही आ गए थे। मैं रात को नहीं आ पाई क्योंकि बहुत लेट टिकट डिक्लेयर हुई थी। प्रोमिला मलिक हैं और लड्डू खा रहे हैं जी, इस खुशी में। देखिए कि हमारे विधायक जी को आज टिकट मिली है, इस खुशी में आज हमारे जितने भी गौणा हल्के के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ आकर आज मतलब लड्डुओं से खुशी मना रहे हैं। तो ढोल नगाड़ों के साथ रात को खुशी मनाई थी, तो आज हमारे मन में एक उत्साह है कि विधायक जी को टिकट मिली है और हम मन लगा कर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और हैं महिला, आपका क्या नाम है? बबीता। बबीता, क्या महसूस कर रहे हैं? कि बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं मैम, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। एक बात है कि मलिक साहब मरोड़िया भी हैं और मतलब उनको कहा जाता है कि बड़ा अच्छा उनका भाग्य है और वो छठी बार एक रिकॉर्ड बनेगा गोहाना से। साहब सिंह अंदौरा है पूर्व पार्षद भाई, बड़ी जय बोलते थे। हाँ बोलते जी, भी बोलेंगे आगे बोलेंगे। तो जिताने का क्या रहेगा? जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे, यहाँ से जो अन्य पार्टियां हैं उनकी जमानत जब्त करवाने काम करेंगे और मलिक साहब को भारी बहुमत से जिताएंगे जी। मतलब अब की बार मलिक साहब छठी बार विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। हाँ, क्या बात है, मतलब झंडी वाली गाड़ी आने वाली है सबको। इसलिए आप भी मुंह मीठा करो। अच्छा अच्छा, आप खाओ, आपने खा लिया तो मेरे मुंह में भी आ गया। खड़े हैं साहब, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप? सिटौली गाँव से। अच्छा, सिटौली तक के लोग पहुँच गए? हाँ जी। तो मलिक साहब का क्या रुख है? एक तरफी जी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कोई भी टेंशन नहीं जी। आप जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए, उनको कमजोर मत मानो। पहले लोकदल में हारता जी, हमने कभी कांग्रेस की नहीं घेरी, अब की बाजी एक तरफी लोकदल, सब पार्टी में बढ़ गई है ना, कोई टेंशन नहीं। और भी बहुत सारे आए हैं, युवा आए हैं, इधर आए। लड्डू खा रहे हो अकेले छिपके? नहीं जी। हाँ, क्या लग रहा है इस बार युवाओं को, क्या उम्मीद है कांग्रेस? मैं इसी समाज से हूँ, समाज कास्ट से हूँ। अच्छा। और मैं मलिक साहब के साथ काम करूँगा मेहनत से, और हमें उम्मीद है कि बहुत वोटों से मलिक साहब जीतेंगे। और हमने अभी
और युवा बालक जोड़े हैं हमने, हमारी आर्यन नगर से हूँ मैं, गोवाना से। हाँ जी, बड़ा बड़ा जोश है युवाओं में, और भी हैं कुछ युवा हैं, कुछ थोड़े थोड़े से मैच्योर हो गए हैं इस बार, युवा बड़े मतलब जोश में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 साल से एक बात कह रही है, भाई हमने बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, युवा हमारे साथ है। लेकिन आज यहाँ काफ़ी युवा आए हैं और आपके विधायक बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी भी हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस से और विधायक जी से क्या उम्मीद है? देखो मैडम जी, सरकार कह रही है बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं के लिए सबसे पहले ये अग्निवीर देख लो, युवा कितने परेशान हैं उससे, वो तो आत्महत्या भी कर रहे हैं अग्निवीर के लिए। रही हमारे विधायक जी की बात, ये तो 36 बरादरी के और गोवाना हल्के की आन बान शान है, जिनको हम पिछले 30 सालों से जानते हैं, इनके घर तक आना जाना सबके दुख दर्द के साथी हैं और 36 बरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं। विधायक जी में एक खास बात है, ये है ना, मतलब मैं बिल्कुल कैमरे पे कहूंगी, ये चैलेंज नहीं है, मलिक साहब ज्यादा चौधरियों के पीछे नहीं लगते, आम आदमी को अपनी तवज्जो देते हैं, और ये जो वर्कर हैं बिल्कुल आम आदमी के तौर पे ये आए हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई क्या नाम है? अनिल रोहिला जी। क्या काम करते हैं? मैं एक दुकानदार हूं जी। तो दुकानदार और रोहिला समाज जैसे ज्यादातर बीजेपी के साथ? इस बार रोहिला समाज पूरा मलिक साहब के साथ है जी, और मैं अपनी जो है पूरी बिरादरी की तरफ से मैं मलिक साहब का स्वागत करता हूं, और हमारी पूरी रोहिला समाज ने मलिक साहब को अपना समर्थन दे रखा है जी। युवा हैं, युवा बड़े मतलब अग्रेसिव थे अग्निवीर को लेकर, राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठा रखा था, और भर्तियों को लेकर भी, नौकरियों को लेकर भी बड़ी 10 साल तक सरकार के साथ जद्दोजहद रही। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट करती है कि भाई बगैर पर्ची बगैर खर्ची उनका एक मुद्दा है ये, तो ये मुद्दा काम करेगा या आप क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने हमको कहा 4 साल की नौकरी देने के लिए, इन्होंने हमको कहा, अब इनके खुद कैंडिडेट है जिनको 5 साल रखने बदलाव किया है, ये उनको खुद सहमत नहीं हो रही इनके साथ, और ये हमारा रोजगार हमको 4 साल के लिए दे रहे हैं, जबकि इनकी सरकार ने खुद इनको 5 साल दे चुकी है और दोबारा फिर ये मांग कर रहे हैं। अब आपने देखा वो पूरे गोवाना में खिलाफत की है, तो अभी किसको मौका दे रहे? हमने तो दे दिया मैम, जगबीर सिंह मलिक विधायक हमारे दोबारा बनेंगे। हम युवा काफी सारे युवा, नमस्कार जी, नवाज साहब, एक मिनट, सबको मौका मिलेगा प्लीज। हाँ, क्या नाम? मैं मोहित शर्मा नाम है मेरा। कितने साल की उम्र? 30 साल है जी। अभी आप पे कुछ युवा हैं और कुछ बढ़ गए सीनियरिटी की तरफ, जी। तो मतलब 10 साल बीजेपी के सरकार को कितने नंबर देंगे? 10 साल बीजेपी के सरकार को नंबर माइनस में मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि युवाओं के साथ बार बार उन्होंने धोखा किया है, किसानों के साथ भी धोखा किया है, और किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती उन्होंने पूरी नहीं की, बार बार फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद फिर बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर वो रिजेक्ट हो जाती है, तो ये सब युवाओं के साथ धोखा है। भाई भारतीय जनता पार्टी भले ही युवाओं की बात करती है, लेकिन कुछ युवा हैं यहाँ जो परेशान हैं। जैन साहब आए मिठाई लेके। जैन साहब, मैं लोकसभा के चुनाव में भी देखा मैंने आपको, सतपाल ब्रह्मचारी के साथ बड़ा आपने मेहनत की, लेकिन सबके दिमाग में एक बात थी कि लोकसभा का चुनाव अलग है और विधानसभा का अलग है, तो क्या अंतर समझते हो मलिक साहब के लिए आपके? अंतर तो देखो, लोकसभा में जितना छोटा इलेक्शन होगा उतना अंतर होता है, लेकिन अपने जो जगबीर सिंह मलिक जी हैं, 5-6 बार पहले MLA बन चुके हैं और अब के भी MLA बनेंगे, फिर तो भारी उम्मीदवार को ऐसा उतार दिया उन्होंने बीजेपी ने, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको। तो अभी जो चुनाव है उसमें मुद्दे काम कर रहे हैं या चेहरे काम कर रहे हैं? दोनों चीज काम करती है, मुद्दे भी और चेहरे भी। तो जो शहरी वोटर हैं जिनको हम भाजपा के बिल्कुल स्थायी वोटर मान बैठे हैं और मानते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि भाजपा कमजोर है, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, ऐसा है कुछ तो फर्क आएगा लोकल कैंडिडेट में और बाहरी कैंडिडेट में, फर्क तो पड़ता ही है। एक मैं खुद खड़ा हूँ तो आप हो सकता है मुझे वोट दे दो और मेरे कैंडिडेट दूसरे को ला दो, इतना फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक फायदा ये है ना जी, हम तो रात को 12 बजे आ जाए तो दरवाजे खुले मिलते हैं, फोन करते हैं दरवाजे खुले मिल जाते हैं, तो कौन भागेगा? लेकिन ये जो आप बता रहे हो ना लोकल की बात, पिछली बार ही शहर के लोगों ने राजकुमार की पीपी भर दी थी,
वो इलेक्शन कुछ और था, कुछ और था। हाँ बिल्कुल भाई, 2019 से 2024 तक आते आते चुनाव के नज़ारे भी बदल गए हैं, मुद्दे भी बदल गए हैं, चेहरों पे भी बात है, मुद्दों पे भी बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा है, उस दावे के बाद कांग्रेस की जो बात है, युवाओं की जो बात है, वो एक अलग विषय है। हम लगातार इस पे नज़र बनाए रखेंगे और अपने दर्शकों तक सारी बातें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी देर में इंदुराज भालू हैं जो बड़ौदा से विधायक हैं, वो भी टिकट लेकर आ रहे हैं, उनके कार्यालय पे भी चलेंगे, वहाँ भी बात करेंगे, फिर पूरी खबर अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने और भूपेंद्र हुड्डा ने आप पर दोबारा से भरोसा जताया है, कांग्रेस ने और भूपेंद्र हुड्डा ने आपसे दोबारा। देखिए मेरे बहुत ही आदरणीय भगवान के स्वरूप छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और मेरे नेता आदरणीय वो भी हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी अध्यक्ष उदय पान जी, मैं दिल की कर रहे हैं उनका धन्यवाद करूंगा। और पार्टी हाईकमान कांग्रेस का भी चाहे खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और भी जितना नेतृत्व है, दोबारा से जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और ये हल्का बड़ौदा इस हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत कलोएगी और उसके बाद हल्का बड़ौदा की होने वाली है। बिल्कुल, 2019 में भी मतलब बाई इलेक्शन में पूरी सरकार के आगे छाती के बटन खोलकर इंदुराज विधानसभा में पहुंचे, दूसरी बार आप कर भरोसा जताया, बहुत लोग लाइन में थे। बिल्कुल, और यह टिकट में आपको बताना चाहूंगा, नहीं और लोग लाइन में, और लोग बहुत लाइन में होते हैं और सबकी इच्छाएं होती है टिकट मांगने, मांगनी भी चाहिए। मैंने पहले भी आपके पत्रकार साथियों ने पूछा मेरे पर कई बार, मैंने ये कहा जिसको भी दे वो सब एकजुट होगा, उसकी मदद करें। और टिकट एक को मिलनी होती है, 90 विधानसभा 2500 फार्म है, 90 ही टिकट मिलनी है, सभी साथी एकजुट हो गए, कांग्रेस की मदद करेंगे। और नरवाल बंधु के सामने एक नरवाल और आने की तैयारी में ना, मेरा बड़ा भाई है, कोई ना कोई तो आएगा, बड़ा भाई ने पहले भी आशीर्वाद दिया, आप और कहीं जाके भी कोई बात हो तो वो भी आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ इंदुराज, आज बहुत बिजी है, फुर्सत में इनसे दोबारा से कभी बात करेंगे, लेकिन आज तो वर्करों से पूछेंगे जो भालू को अपने दिल से लगा कर घूम रहे हैं। क्या नाम है? नफे सिंह। नफे सिंह कहाँ से हैं? जयसवाल से। अच्छा, हाँ जी, वो बड़ा दिल से लगा रखा है भालू, दिल से लगा रखा है भाई है। गुलाबी पगड़ी है? हाँ गुलाबी पगड़ी है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा की पहचान? हाँ जी, भूपेंद्र हुड्डा की पहचान। क्या माहौल बना रखा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, मतलब एक तरफ इलेक्शन होगा ब्रोजल के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो बीजेपी के अंडे है इनको आप टाइम में ही बता देंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या नाम है? अशोक कुमार जी। ये कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी वालों को 12 बजे तक बजा देंगे, इतने कमजोर? बिल्कुल भगा दें जी, इतने कमजोर हैं, गांव में आएंगे नहीं भी। क्यों, विकास किया नहीं? 12 तो घना बता दिया, 11 बजे छुट्टी, 10 बजे समेट देंगे। ऐसी क्या खास बात है भाई कांग्रेस में? अच्छा, क्या काम किया है? बहुत काम किया कांग्रेस ने, नौकरी दी है, विकास किया है, भाजपा ने क्या किया? नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत दी है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं रोडों पर। बिल्कुल, चलो लोगों में ही मुद्दे हैं, और भी काफी सारे लोग बैठे हैं, उनसे विधायक जी से तो हम फिर बात कर लेंगे फुर्सत में। कमल मेरे थोड़ा सा नजदीक आए, कैमरे से दिखाएं भाई, शायद मदीना से है। सुबह बोलो, बोलो, आवाज आएगी। हाँ जी, बड़ौदा हल्का से इंदुराज को टिकट मिली है, ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं, यहाँ बहुत बड़ी जीत होगी, एक तरफा माहौल है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और मेरे इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य, मेरे भगवान के स्वरूप भाई भूपेंद्र हुड्डा जी का और पार्टी अध्यक्ष उदय पान जी का और पार्टी हाईकमान चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी, मैं सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं का धन्यवाद करूंगा आपके हल्का बड़ौदा के माध्यम से। चुनाव को एक तरह से तेज धार देने के लिए सुबह से तो लोग आ ही रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। डॉक्टर दिलबाग खान है। डॉक्टर साहब, मैं सुबह ना, मेरे पास एक दूध देने आता है, उसने एक बात कही मेरे से कि कैसा रहेगा चुनाव, तो मैंने उससे कहा कि आप बताओ। उन्होंने कहा कि गोहाना के सारे मुसलमान कांग्रेस और जगबीर मलिक के साथ हैं, आप मुस्लिम बस्ती में रहते और प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो दूधिया ने एक बात कही, मैं आपसे भी इसकी पुष्टि करवाना चाहती हूँ, क्या माहौल?
ये उन्होंने जो आपको कहा वो बिल्कुल सही कहा। मुसलमान कहीं का भी, कहीं भी, ये गुआने गुआने का नहीं, इंडिया का और सारे हरियाणा का। तो ऐसा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। कारण जो बीजेपी से क्या है? बीजेपी ने जो ये जात पात का धर्म का जो जहर घोड़ा है आपस में हमको लड़ाया है। जैसे यूपी में इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, और जब भी कोई भी बात उठाते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम का जरूर करते हैं। जब और कोई भी बात इनकी नहीं रहती तो आखिर में ये फिर करते हैं हिंदू मुस्लिम। अच्छा, शहरी वोटर, आप भी शहर में रहते हैं, शहरी वोटर ज़्यादातर मैंने अभी तक जो पिछले दो चुनाव में देखा है और अभी लोकसभा का भी, तो बीजेपी की तरफ अच्छा खासा रुझान है। तो इस चुनाव में जगबीर मलिक जो कैंडिडेट हैं और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव है, इस बार का क्या माहौल ऐसा है? हम MP के इलेक्शन में भी शहर में, हम 2014 में और 2019 में 13-13 हज़ार वोट से आ रहे थे, अब हम 9 हज़ार वोट से आ रहे हैं। अब 9 हज़ार वोट से आ रहे हैं और अब इस इलेक्शन में हम गोहाना से चाहे लीड करें 100 वोटों से, गोहाना से जीतेंगे। गोहाना की पब्लिक उनसे तंग आ चुकी है बीजेपी से। वो ये नहीं कहते कि हमारी को ऐसी वो करामात है, वो खुद तंग हो गए। लोगों को कागजों में उलझा दिया भाई, ये आधार कार्ड, ये परिवार पहचान पत्र के खिलाफ तो आप पिछले कई साल से लड़ी रहे। हाँ जी, मतलब अब लोगों ने मन बना चुके, लोग मन बना चुके हैं भाई ये कांग्रेस पार्टी को वोट देने। और फिर इसका एक वो हो गया जो ये बाहर ही लाके छोड़ दिया ना, इसका कोई जनाधार नहीं। इसका लाभ लगता है आपको कांग्रेस को मिलने होगा? इसका बहुत लाभ होगा। अब जो आदमी के थे हम बीजेपी को वोट देंगे, इसके आने से भी ये देख लो, जो बीजेपी के जो टिकट मांग रहे थे वो अब तक इसके किसी प्रोग्राम में नहीं जा लिए, ना इसकी मीटिंग में जा लिए। वो भी तंग है, वो भी आहिस्ता सब, मतलब इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी और ये कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस कम से कम 70 सीट लेगी हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।